प्रश्न संख्या एक, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी नीदरलैंड्स, ऑप्शन डी लक्समबर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेल्जियम। प्रश्न संख्या दो, यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मूर्तिकला, ऑप्शन बी संगीत के, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी नाट्यकला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चित्रकला। प्रश्न संख्या तीन, रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जुमा, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी कुफी अन्नम, ऑप्शन डी बुकर टी वाशिंगटन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। प्रश्न संख्या चार, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूभद्व है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी तिमूर सागर, ऑप्शन सी उत्तरी सागर, ऑप्शन डी अरल सागर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरल सागर। प्रश्न संख्या पाँच, निम्नलिखित में से किसे वनभूमि कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बोलिविया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेल्जियम। प्रश्न संख्या छह, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी साइकोलॉजी, ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए साइटोलॉजी। प्रश्न संख्या सात, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वायरसों के, ऑप्शन बी बैक्टीरिया के, ऑप्शन सी रोगों के, ऑप्शन डी विषों के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विषों के। प्रश्न संख्या आठ, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अधिकतम पठन थर्मामीटर, ऑप्शन बी निम्नतम पठन थर्मामीटर, ऑप्शन सी पारद थर्मामीटर, ऑप्शन डी एल्कोहल थर्मामीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एल्कोहल थर्मामीटर। प्रश्न संख्या नौ, इन बटूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खजी, ऑप्शन सी मुहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या दस, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी चन्हुदड़ो। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी चन्हुदड़ो।